विश्व विख्यात अग्नि नृत्य चौहटन तहसील के लीलसर गांव में श्री जसनाथ आश्रम में अग्नि नृत्य आश्रम की एक अनोखी पहचान है। श्री श्री 1008 महंत श्री मोटनाथ जी महाराज ने बताया कि यह प्रथा 500 साल पुरानी है। जब मुगलों का राज था तब हमारे महात्मा श्री रुस्तम जी को मुगलों ने वाद्य यंत्र नगाड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था और एक खड्डा खोद के उसमें कोयले डालकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई और बोला अगर जसनाथ जी साक्षात भगवान है तो इस खड्डे में उतर जा और अग्नि नृत्य करके दिखाओ। श्री जसनाथ जी महाराज ने साक्षात श्री रुस्तम जी को दर्शन दिए और बोला डरो मत, बिना संकोच के नृत्य करो। रुस्तम जी महाराज ने जसनाथ जी महाराज का वचन सुनकर उस कुंड में उतर गए और मल्हार राग पर उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया और मुंह में भी अंगारे डालकर इस नृत्य को देखकर मुगल बादशाह प्रसन्न हुए और इनको पुराने जमाने की ताम्र पत्र नगाड़ा और नृत्य के लिए दे दिया गया। उसके लिए बाद में श्री जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से युगो युग चली आ रही नृत्य प्रथा श्री जसनाथ जी महाराज के 36 नियमों की पालना करने का विधि विधान है। कर रहे थे इसके बारे में महाराज बताइए। ये आज से 500 साल पहले जसनाथ जी महाराज के परम शिष्य रुस्तम जी महाराज हुए, जिनके ऊपर बादशाह राज औरंगजेब ने बहुत बड़ा अत्याचार किया और हमारे जो गाने बजाने का मुख्य साधन था नगारा उस पर प्रतिबंध लगाया तो रुस्तम जी महाराज को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ से रुस्तम जी महाराज ने गुरु जसनाथ जी महाराज की कृपा हुई और बादशाह ने एक बहुत बड़ा कुंड खुदवाया, कई पर्चे मांगे, एक बहुत बड़ा कुंड खुदवाया और जिसमें अग्नि जलाई गई, कहते हैं हजारों टन लकड़ियां जलाई और उस लकड़ियों में जसनाथ जी महाराज सैंधे प्रकट हुए और रुस्तम जी महाराज को वचन दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और रुस्तम जी को कहा हमारी परंपरा में कोई भी सिद्ध 36 नियमों का पालन करेगा और मल्हार राग पे मल्हार राग गाएंगे और उसमें परिक्रमा देके भगवान की फतेह करते हुए अग्नि में प्रवेश करेगा तो युगो युगांत तक ये अग्नि ठंडी रहेगी। वही गुरु महाराज की कृपा है और न हमारे पास मंत्र है न हमारे पास तंत्र है, हमारे यहाँ भोले से भोला व्यक्ति भी जो इस धर्म में चलता है, जसनाथ जी महाराज की नियमों में चलता है और उन लोगों के लिए अग्नि एक पानी बन जाती है। और वहाँ वो जब मैं एक बार मेरी कहानी सुनाता हूँ, एक बार मैं छोटा था, कोई एक कार्यक्रम था उसमें काफ़ी बहुत बड़ा अग्नि का ढेर लगा था तो मैं यूँ निकलने लगा तो मैं खड़ा रह गया, मुझे पता ही नहीं चला, पहले मुझे डर लग रहा था पर अंदर प्रवेश